मध्य प्रदेश में अब बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भगवान श्री राम के बारे में पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन नाम से पाठ्यक्रम तैयार किया है। हमारे अपने बीए साइंस ऐसे कई विषयों को लेकर के नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जब अपना सिलेबस लागू कर रहा है तो हमारे गौरवशाली अतीत को भी हम सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो हमारे धर्मग्रंथ से भी जुड़े हों, रामायण हो, महाभारत हो, या हमारे गौरवशाली महापुरुषों का जीवन हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, रानी अवंतीबाई हो, या देवी अहिल्या हो, अगर विक्रमादित्य हो, राजा भोज हो, इन सारे महापुरुषों के चरित्र को लेकर के भी हम सामने आने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन का पेपर 100 नंबर का रहेगा। इसे दर्शन शास्त्र विषय में रखा गया है। इसे नई शिक्षा नीति के तहत इसी सत्र में यानी 2021-2022 में शामिल किया गया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि जो प्रश्न खड़ा किया गया था अतीत में कि ये जो राम सेतु को तोड़ दें और ये खाड़ी और अरब सागर को मिला दें, लेकिन नासा ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि ये एडम ब्रिज था जो 17 लाख साल पहले भगवान श्री राम के काल का है। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी, अगर हिमाचल क्षेत्र के लोगों को इस मामले में जीत मिली थी कि आखिरकार ये मानव निर्मित रचना से हमारा पर्यावरण को नुकसान होगा, जैविक और जलीय रचनाओं को नुकसान होगा, भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी हानि होगी समुद्री जल जीव, तो इन सारे विषयों को सामने लाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब नई शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी अध्यात्म का ज्ञान लेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले, और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाएं हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।